वाईफाई की अगर हम बात करते हैं तो वाईफाई एक इनबिल्ट फीचर होता है लैपटॉप, ऑल इन वन पीसी, ओईएम डेस्कटॉप एटसेट्रा में। याद रखिएगा, असेंबल्स पीसी या डेस्कटॉप में वाईफाई नहीं होता। उसमें वाईफाई यूज करने के लिए हम लोग को अलग से डोंगल या फिर वाईफाई कार्ड लगवाना पड़ता है, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। नमस्कार, मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपुराण में। ये वाईफाई का एरर आया है GIPL झारखंड से, थ्रू इंस्टाग्राम इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। इनका एरर ये है कि वाईफाई ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और वाईफाई को ऑन करने के लिए सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है और ये बार बार हो रहा है। लैपटॉप है HP का 15S DU3563TU, जो कि लेटेस्ट लैपटॉप है विथ विंडोज 11 होम बेसिक। देखिए, इस तरीके का प्रॉब्लम मोस्टली ड्राइवर के ठीक ढंग से काम नहीं करने की वजह से आता है, तो मेरी माँ ने अपने विंडोज 11 को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। देखिए, होता क्या है, अभी विंडोज 11 स्टेबल कंडीशन में नहीं है, मतलब अभी बहुत सारे बग हैं जो टाइम टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेट्स के थ्रू ठीक करते रहता है। इस सिनेरियो में एज पर यूजर पहले वाईफाई ठीक चल रहा था, लेकिन जब से लेटेस्ट अपडेट आया है तब से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब है कि लेटेस्ट अपडेट ऑफ वाईफाई ड्राइवर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस अवस्था में या तो आप वेट करें नेक्स्ट वाईफाई ड्राइवर अपडेट का, या फिर राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, सो मोर ऑप्शंस, अब मैनेज, यहाँ डिवाइस मैनेजर में नेटवर्क एडाप्टर को एक्सपेंड करें। यहाँ पे आप देख सकते हो दो ड्राइवर्स हैं, पहला है PCIe GBE फैमिली कंट्रोलर, जो कि रियलटेक का है। PCIe मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर रियलटेक का लैन हार्डवेयर का ड्राइवर है, और दूसरा है 802.11ac PCIe एडाप्टर, जो कि वाईफाई के लिए है। तो राइट क्लिक ऑन 802.11ac ड्राइवर, अब अपडेट ड्राइवर, अब ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, यहाँ लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। ये देख सकते हो तीन ड्राइवर्स हैं, पहला माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है और दूसरा और तीसरा रियलटेक सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन के द्वारा। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाला ट्राई करूँगा, सो जस्ट क्लिक सेकेंड ड्राइवर और ये स्टार्ट हो गया इंस्टॉलिंग। अब जैसे ही कंप्लीट हो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें। अगर सेकेंड ड्राइवर काम नहीं किया तो आप इसी तरीके से थर्ड ड्राइवर को भी इंस्टॉल करके देख सकते हो। अगर फिर भी काम ना करे तो एक बार कंट्रोलर का ड्राइवर भी चेंज करके देख लेना, ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो विंडोज का नेक्स्ट अपडेट का इंतजार कीजिएगा। होप आज आपने सीखा होगा कि हम कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल या चेंज करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।